इस कहानी की शुरुआत अवेंजर एंड गेम के बाद से होती है, जहां एंड गेम के खत्म होने के लगभग 3 हफ्ते बाद वांडा विजन की डेड बॉडी लेने के लिए सॉर्ड के ऑफिस पहुंचती है। हमने देखा था कि अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में ही विजन थैनोस के हाथों मारा गया था और उसकी डेड बॉडी सॉर्ड के ऑफिस में रखी हुई थी। सॉर्ड भी शील्ड की तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया पर आने वाले खतरों पर नजर रखती है। वांडा जब वहाँ के डायरेक्टर टाइलर से विजन की बॉडी देने की मांग करती है ताकि वो उसका फ्यूनरल कर सके, पर वो उसे विजन की बॉडी देने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग उसकी बॉडी पे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। वांडा वहाँ से निराश होकर वेस्ट व्यू नाम के एक शहर में आ जाती है। ये वही शहर था जहाँ वांडा और विजन ने एक घर खरीद कर अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारने की सोची थी और उन लोगों ने अपने घर के लिए वहाँ पर एक प्लॉट भी खरीद लिया था। वांडा निराश और दुखी होकर उसी प्लॉट पे जाती है। उसकी आंखों के सामने वो सब चीजें आने लगती है जो उसके साथ गलत हुआ था, जैसे कि पहले उसके माँ बाप एक धमाके में मारे गए, फिर उसका भाई भी लोगों को बचाते हुए मारा गया और अब उसका इकलौता प्यार विजन भी मारा जा चुका था और वो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसके पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उसकी बॉडी से बहुत सी एनर्जी निकलने लगी और उसकी वजह से वहाँ उसका घर बन गया। वो पूरा शहर भी पूरी तरह से चेंज हो गया। उसकी पावर की वजह से ही उसने एक नए विजन को भी बना दिया। उसने अपनी पावर से पूरे शहर को भी अपने हिसाब से बदल दिया था। उसने इस रियलिटी को पुराने टीवी शो सिटकॉम के स्टाइल में ही बनाया था क्योंकि बचपन में उसे वो सीरियल बहुत पसंद था, पर उस रियलिटी में जो विजन था उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ वांडा को जानता था। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे, पर वांडा ने जब अपने पावर को यूज करके इस शहर को अपने हिसाब से बनाया था तो वो शहर बाहर की दुनिया से कहीं गायब हो गया था। और इस केस को सॉल्व करने के लिए FBI के एक एजेंट जिमी वू को बुलाया जाता है, पर ये केस उसके समझ से बाहर था क्योंकि ऐसा कुछ उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा होता है। वो जाकर सॉर्ड से कुछ मदद मांगता है और वहाँ के डायरेक्टर टाइलर मोनिका नाम के एक एजेंट को उसकी मदद के लिए भेजता है। मोनिका जिमी के साथ जांच करने के लिए उस शहर के बाहर जाती है और वहाँ वो देखती है कि शहर के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड है और जब वो उसे छू कर देखती है तो वो उसके अंदर खींची चली जाती है। जिमी ये बात जाकर सॉर्ड के डायरेक्टर को बताता है और उसके बाद सॉर्ड के लोग उस शहर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस जगह की जांच करने के लिए वो बहुत से साइंटिस्ट को भी बुलाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है डार्सी लुइस। वो जब वहाँ के बारे में रिसर्च कर रही होती है तभी उसे वहाँ एक अजीब सी सिग्नल के बारे में पता चलता है जो वेस्ट व्यू शहर से आ रही होती है। उस सिग्नल के बारे में और पता करने पे उसे मालूम चलता है कि वो एक ब्रॉडकास्ट सिग्नल है जिसपे टीवी पे वांडा विजन नाम का एक टीवी शो चल रहा था। और उसी शो में जब वो मोनिका को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और उस शहर के सारे लोग उस टीवी के कैरेक्टर्स बन चुके हैं। अब सारे टीम के लोग इस बारे में और समझने की कोशिश करने लगते हैं। इधर वांडा की रियलिटी टाइम के अनुसार ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो गई थी। कभी कभी वांडा का अपने रियलिटी से पकड़ भी छूटने लगता था, पर वो हर बार इसे सही करने में सफल रहती थी। एक दिन वहाँ मोनिका गलती से वांडा के सामने कुछ ऐसा बोल देती है कि वांडा को उसके ऊपर शक हो जाता है कि वो सॉर्ड की मेंबर है और वो उसे शहर से बाहर फेंक देती है। इसके बाद मोनिका जाकर सारी बात सॉर्ड को बताती है। सॉर्ड का डायरेक्टर टाइलर वांडा को आर्मी इस्तेमाल करके मारने का सोचता है क्योंकि इन सब के पीछे उसी का हाथ था, पर मोनिका उसके इस फैसले का विरोध करती है क्योंकि वांडा ने भले ही शहर को अपने कब्जे में कर रखा था पर अभी तक उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। पर टाइलर उन सबको झूठ बोल देता है कि वांडा उनके लैब से विजन की बॉडी चुरा कर ले गई और उसी से उसने इस नए विजन को बनाया है। पर जिमी, मोनिका और डार्सी उसकी बातों से सहमत नहीं थे और वो इसका विरोध करते हैं, इसीलिए वो उन तीनों को वहाँ से निकाल देता है। पर उन तीनों को टाइलर पे शक होता है कि जरूर ये कुछ गलत करने का सोच रहा है और इसीलिए वो उस पर नजर रखने लगते हैं। इधर वांडा अब 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन चुकी थी और उसके बच्चों में भी उसी की तरह ही मैजिकल पावर्स भी थी और वो बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे। वांडा की लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, पर विजन कहीं ना कहीं खुश नहीं था क्योंकि वो देख रहा था कि वहाँ कभी भी कुछ भी हो रहा था। पर वांडा हर बार उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती रहती थी। पर एक दिन विजन सच्चाई का पता लगाने के लिए वेस्ट व्यू शहर के बॉर्डर के पास आ जाता है और जब वो इस एनर्जी फील्ड के बाहर जाने की कोशिश करता है और वो जैसे ही वहाँ से बाहर आता है उसकी बॉडी टूटकर बिखरने लगती है क्योंकि वो सिर्फ वांडा की रियलिटी में ही जिंदा रह सकता था। इधर वांडा को जब पता चलता है कि विजन शहर से बाहर चला गया है और वो मरने वाला है तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके शहर की बाउंड्री बढ़ा देती है जिससे विजन की जान बच जाती है। पर इसी दौरान सॉर्ड के भी कुछ लोग शहर के अंदर आ जाते हैं और वो भी वांडा के रियलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, जिनमें से एक डार्सी भी होती है। विजन डार्सी को वांडा के मैजिक से आजाद कर देता है और उससे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में जानने लगता है। डार्सी उसे उसके लाइफ के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे वो बना था और फिर कैसे उसकी मौत हुई थी।
इधर मोनिका एक बार फिर से वेस्ट व्यू के अंदर जाने का सोचती है, क्योंकि वो वांडा को टायलर के इरादों से सावधान करना चाहती थी। लेकिन मोनिका दोबारा जब उस एनर्जी फील्ड को पार करके अंदर जाती है तो उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं और उसके अंदर भी कुछ सुपर पावर्स आ जाती है। वांडा जब मोनिका को देखती है तो वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ गुस्से से बढ़ती है। मोनिका उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ पे वांडा की पड़ोसी एग्निस आ जाती है और वो वांडा को मोनिका से दूर लेकर चली जाती है। असल में वांडा की पड़ोसी एग्निस, जो हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखती थी, वो वास्तव में एक विच होती है जिसका असली नाम अगाथा हार्नेस होता है। अगाथा सेलम की रहने वाली एक विच होती है जो डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया करती थी और उसके इसी कारनामे की वजह से उसके कबीले वालों ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन अगाथा ने उन सबके पावर्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें ही मार दिया और उस दिन के बाद से लेकर आज तक वो हर एक मैजिशियन की पावर को एब्जॉर्ब करती आई है। और इसीलिए जब वांडा ने अपनी पावर से इस शहर को बनाया तो उसे इसके बारे में पता चल गया और वो वांडा के पावर को हासिल करने के लिए वेस्ट व्यू के अंदर आ गई। अगाथा कई बार वांडा की शक्तियों का राज जानने की कोशिश की, लेकिन इसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ और इसीलिए आखिरकार उसे वांडा के सामने आना ही पड़ा। वो वांडा को अपने मैजिक से उसके अतीत में लेके जाती है, जहां वांडा को पता चलता है कि वो एक विच है और बचपन से ही उसके पास मैजिकल पावर्स है। और जब हाइड्रा ने माइंड स्टोन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी शक्तियाँ और भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए अगाथा उसकी ये सारी शक्तियों को हासिल करना चाहती है। इधर हमें स्वॉर्ड के डायरेक्टर टायलर का असल प्लान पता चलता है। वो कब से विजन को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके, पर बिना माइंड स्टोन की उसकी ये सारी कोशिश बेकार थी। इसीलिए उसने वेस्ट व्यू के अंदर अपना एक ड्रोन भेजा और जब वांडा ने उस ड्रोन को तोड़ करके बाहर फेंका तो उसके ऊपर उसकी कुछ एनर्जी मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल करके वो विजन को फिर से बनाने में कामयाब रहा। पर यह विजन पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं थे और वो सिर्फ एक रोबोट के समान ही था। टायलर उसकी पुरानी मेमोरी को डिलीट कर देता है और उसे वांडा को मारने के लिए प्रोग्राम्ड कर देता है। अब यह नया व्हाइट विजन वेस्ट व्यू के अंदर पहुंचता है, जहां अगाथा और वांडा की लड़ाई चल रही थी और तभी व्हाइट विजन वांडा को मारने लगता है। पर तभी वहां पर रेड विजन आकर वांडा को बचा लेता है और अब व्हाइट विजन और रेड विजन के बीच में फाइट होने लगती है और एक तरफ वांडा और अगाथा की फाइट होती है। अगाथा वांडा पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि वांडा के पास उसके पावर को यूज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसीलिए अगाथा लगातार उसके पावर को एब्जॉर्ब करती जा रही थी और वो शहर के लोगों पर से भी वांडा का कंट्रोल हटा देती है। और जैसे ही सब लोग अपने होश में आते हैं, वो वांडा के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि उसने इतने दिनों तक उन्हें अपने कंट्रोल में कर रखा था। ये सबको देखते हुए वांडा कुछ देर के लिए अपने एनर्जी फील्ड को खोल देती है ताकि वो सब वहां से बाहर निकल सके, पर इसका फायदा उठाते हुए सॉर्ड की आर्मी भी अंदर आ जाती है और वो सब पे हमला करने लगते हैं। पर वांडा के दोनों बच्चे और मोनिका मिलकर सॉर्ड की आर्मी को रोक लेते हैं। अगाथा वांडा से उसकी सारी पावर उसे देने को कहती है और इसके बदले में वो उसके शहर को पहले जैसा बनाकर चली जाएगी और फिर वो अपनी फैमिली के साथ आराम से रह सकती है। पर वांडा को उसके ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उसे अपनी पावर देने का नाटक करते हुए उसे अपनी जाल में फंसा लेती है, जिससे अगाथा अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। और फिर वांडा उसकी पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और अब वो पूरी तरह से स्कारलेट विच बन जाती है। वांडा अगाथा को मारती नहीं है, बल्कि उसे एग्निस के रूप में ही वेस्ट व्यू के अंदर कैद कर देती है। इधर रेड विजन व्हाइट विजन की मेमोरी को रीस्टोर कर देता है और उसके बाद व्हाइट विजन वहां से चला जाता है। वांडा को भी अब एहसास हो जाता है कि वो अपनी खुशी के लिए पूरे शहर को तबाह नहीं कर सकती और वो धीरे धीरे शहर पर से अपने मैजिक को हटा लेती है और अपनी फैमिली को आखिरी बार देखने के बाद उनसे भी विदा ले लेती है। वांडा का मैजिक हटते ही उसका घर परिवार सब गायब हो जाता है और वो फिर से बिल्कुल अकेली हो जाती है। इसके बाद वांडा मोनिका से विदा लेकर सबसे बहुत दूर चली जाती है ताकि वो अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल करना सीख सके। सॉर्ड के डायरेक्टर टायलर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लास्ट में हम वांडा को देखते हैं, जो किसी सुनसान पहाड़ी इलाके में अकेली रह रही होती है। और वहीं हम देखते हैं कि वांडा डार्क होल्ड बुक को पढ़ रही होती है और उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करना सीख रही होती है। वहीं उसके बच्चों की आवाज भी सुनाई देती है, शायद वो उन्हें फिर से वापस लाने की कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।